छत्तीसगढ़ प्रदेश ईसाई समाज संघ जन कल्याण सेवा समिति द्वारा दुर्ग एसडीएम मुकेश रावते को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंप ईसाई समाज द्वारा बताया गया कि इन दिनों धर्मांतरण के झूठे आरोप लगाकर मारपीट व चर्च में तोड़फोड़ कर झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश की जा रही है, जिसका ईसाई समाज घोर निंदा करता है। विभिन्न मुद्दों को लेकर के सौंपा गया, जैसे मेन मुद्दे जैसे धर्मांतर के झूठे आरोप लगाकर कार्रवाई की जा रही है अन्य सामाजिक द्वारा, उसके संबंध में उन्होंने अपना संरक्षण का भी मांग किया पुलिस के द्वारा। यदि इस तरह की कभी घटना होती है तो पुलिस से उनका सहयोग दिया जाए और हम प्रशासन की ओर से आश्वस्त करते हैं, यदि किसी भी प्रकार का गलत होता है तो पुलिस हमेशा सहयोग के लिए तैयार है। यदि कोई भी शिकायत आती है और सही पाया जाता है तो उस पर जरूर कार्रवाई की जाएगी। सर, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि ज्योति शर्मा नामक लेडी जो हमारे हर एक चर्चेस में घुसकर हमारे पास्टरों को और हमारे धर्मशास्त्र को और हमारी जो कलीसिया माता बहनाओं के साथ बदतमीजी कर रही है, डंडे से मार रही है, थानों में जाती है, डंडे लेके जाती है, थानों में भी पुलिस प्रशासन के सामने हमारे पास्टरों को मारती है, पीटती है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। वो कम से कम 15 बार वो ऐसा घटना कर चुकी है और उस 15 घटनाओं में एक भी बार उसको पुलिस किसी भी चीज़ों में गिरफ्तार नहीं कर पाई है। और मैं पुलिस प्रशासन से, सरकार से मैं यही मांग करता हूं कि उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और हमारे जो हमारे पास्टरों के ऊपर और जो हमारे धर्म के ऊपर इन लोग जैसे झूठा झूठा इंजाम लगाते हैं कि धर्म चेंज कराते हैं करते हैं, मैं आपको बता दूं, हमारा प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म जाति के लिए नहीं आया था। हम लोग मानव जाति के लिए हैं, जो दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, उनका मन परिवर्तन करने के लिए हम बात करते हैं और इसमें और कुछ नहीं है। जैसा कि लोग बोलते हैं कि धर्म चेंज करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग बोले हैं कि इसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे, जल्द से जल्द आश्वासन दिए।